Hello students, this is Arumita Ghosh and welcome back to another video tutorial from Rubaiyat Classes. तो इस वीडियो में आज हम लोग एंजाइम्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं. एंजाइम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि ये जो एंजाइम का जो कॉन्सेप्ट है ये उन लोगों का क्लियर नहीं होता है. तो मैं आशा रखती हूँ आज का ये वीडियो और इससे आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ में मैं एंजाइम्स के बारे में आप लोगों के लिए डिस्कस करूँगी और वो मेरे चैनल पर अपलोडेड होता रहेगा. तो आप लोग ज़रूर सारे वीडियोज़ को देखें और एंजाइम को समझें ताकि नीट 2021 में आपको एंजाइम से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स. तो पहले हम लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी में एंजाइम्स लेके जो फर्स्ट लाइन आपका लिखा हुआ है वो है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोसाइम्स. अब देखिए एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर प्रोटीन से ही बनता है, मतलब अमाइनो एसिड्स है. अमाइनो एसिड्स के साथ और भी बहुत तरीके का अलग अलग टाइप का आपका पार्ट्स रहता है, जैसे कि लिपिड हो सकता है, कोई शुगर मॉइटी हो सकता है, कुछ भी अटैच रह सकता है, कोई मेटल्स अटैच रह सकता है, विटामिन्स अटैच रह सकता है, लेकिन वो अलग बात है. लेकिन मेजॉरिटी जो पार्ट है एंजाइम का वो है आपका प्रोटीन. लेकिन ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मतलब ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन रहता है. लेकिन कुछ एंजाइम्स है जैसे कि आरएनए, हम लोगों को मालूम है कि आरएनए इज़ अ न्यूक्लिक एसिड बट स्टिल इट कैन एक्ट एज एन एंजाइम, तो उसको हम लोग राइबोसाइम कहते हैं. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि सच एज आरएनए जब एंजाइम के तौर पे काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं राइबोसाइम्स. अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले आते हैं. लाइक अ प्रोटीन एंड एंजाइम हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, समटाइम्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड्स अपन इटसेल्फ एंड क्रिस क्रॉसेस टू फॉर्म अ टर्शियरी स्ट्रक्चर हैविंग पॉकेट्स कॉल्ड एक्टिव साइट्स. अभी एंजाइम्स जब फंक्शन करता है, कोई भी सब्सट्रेट के साथ बाइंड करता है, तब सब्सट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर रीजन का ज़रूरत होता है जहाँ पे वो आके बैठ सकता है. एंजाइम का जहाँ पे जिस रीजन में आके सब्सट्रेट बाइंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट. तो जनरली हम लोग पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये जो सिंपल टाइप का एंजाइम्स है, यहाँ पे आपको सिर्फ इस तरीके का अमाइनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलेगा. ऐसे अमाइनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड हम लोगों को चेन्स मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक अ प्रोटीन एंड एंजाइम हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब ये मिनिमम स्ट्रक्चर एंजाइम को ज़रूरत है. उसके बाद वो जितना उसका जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है, मतलब उसका जितना एफिशिएंसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जितना होता रहता है, उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है. तो एंजाइम्स का कभी कभी ऐसा होता है कि मानिए कि कोई भी ये जो अमाइनो एसिड्स है, कुछ अमाइनो एसिड्स आसपास अपने साथ जुड़ जाते हैं. ऐसा हो सकता है कि कहीं पे इस तरीके का इनफोल्डिंग हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा है ना स्ट्रक्चर फोल्ड्स अपन इटसेल्फ, तो इस तरीके का इनफोल्डिंग जब क्रिएटेड होता है, इस इनफोल्डिंग के दौरान कुछ अमाइनो एसिड्स अपने पास आ जाते हैं और अपने आप ही कुछ बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं और ये जो ग्रूव्स या डिप्रेशन तैयार होता है उसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉकेट्स. और पॉकेट्स मतलब है एक्टिव साइट. तो एक्टिव साइट के अंदर आके कोई भी सब्सट्रेट बाइंड कर सकता है. एक एंजाइम में एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स होता है. कभी कभी हम लोग एलिस्टेरिक साइट भी देखते हैं एंजाइम में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. तो अभी देखिए ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है लाइक ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सिंपल एंजाइम की तरह. और दूसरा हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर कॉम्प्लेक्स हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल शेप अटेन करता है. तो यहाँ पे जितना भी रूट्स या पॉकेट्स फॉर्म्ड हुआ उस पॉकेट्स में जाके सब्सट्रेट इजीली बाइंड करेगा. अभी चले आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. एंजाइम्स डीनेचर इन हाई टेम्परेचर्स. ज़्यादातर क्या होता है, एंजाइम रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर होने का बहुत ज़रूरत है. लेकिन हाई टेम्परेचर मतलब कितना हाई, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर ही एंजाइम फंक्शन करेगा. अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 25-40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रेंज हम पकड़ के चलते हैं, इसके अंदर एंजाइम एफिशिएंटली फंक्शन कर सकता है. जितना 40 से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना
एंजाइम का जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो रिड्यूस्ड होता है, इसलिए क्योंकि इसका जो मेन प्रोटीन पार्ट है वो डीनेचर कर जाता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे और एक भी पॉइंट लिखा है, However, enzymes is isolated from organisms who normally live under extremely high temperature, are stable and retain their catalytic activities. बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई organisms जो मानिए कि सल्फर स्प्रिंग में या हॉट वेंट्स में रहता है, वहाँ पे इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर रहने के अलावा भी आपका जो एंजाइम्स है ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स एफिशिएंटली फंक्शन कर सकता है। और भी एक एंजाइम का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आपको मालूम है हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में ये एंजाइम के बारे में पढ़े हैं, PCR टेक्निक जो है जहाँ पे हम लोग DNA मॉलिक्यूल का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। आपके पास सैम्पल DNA है, उसको आपको बढ़ाना है, आपको एम्प्लीफाई करना है। कोई भी काम के लिए हम लोग अगर सैम्पल DNA को बढ़ाना चाहते तो हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग हीट स्टेबल एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से मिलता है। नॉर्मली हम लोग जब देखते हैं कि DNA पॉलीमरेज जो है वो हाई टेम्परेचर में डीनेचर कर जाता है, मतलब नॉर्मली जब रेप्लिकेशन होता है, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियली जब DNA का एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, थर्मस एक्वाटिकस से जो एंजाइम हम लोग को मिलता है टैक पॉलीमरेज, वो अराउंड 70-90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी वो अपना काम एफिशिएंटली कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टैक पॉलीमरेज, जो है आपका एक हीट स्टेबल या थर्मोस्टेबल एंजाइम, बहुत ही हाई टेम्परेचर ये विस्टैंड कर सकता है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंजाइम्स एक्ट एज बायो कैटलिस्ट। दोस्तों आप सभी ने केमिस्ट्री में तो कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा ही होगा। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन रेट है, उसको ऑल्टर कर सकता है। या तो पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है या तो फिर नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम लोग उसको मान लेते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो, उस हिसाब से हम लोग एंजाइम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग एंजाइम्स जनरली क्या होता है, कोई ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर आपको मिलता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। लेकिन प्रॉपर केमिकल कैटलिस्ट के साथ एंजाइम मतलब बायो कैटलिस्ट का एक मेन डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है। जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये मैंने पहले आपको पिछले पॉइंट पे बता दिया था कि एंजाइम ज़्यादा टेम्परेचर में एक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन नॉर्मली एंजाइम को एक्ट करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, जो कैटलिस्ट के लिए ये चीज़ एकदम भी ज़रूरी नहीं है। हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट को बहुत ही हाई टेम्परेचर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम में वैसा नहीं होता है, जनरली एंजाइम में वैसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बाकी सारे जो चीज़ है वो कैटलिस्ट के जैसा ही है, जैसे कि कैटलिस्ट आफ्टर द रिएक्शन वापस रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, खुद कुछ भी रिएक्शन के साथ कोई नया दूसरा प्रोडक्ट नहीं फॉर्म कर रहा है, एंजाइम के लिए भी वही चीज़ है। तो एंजाइम बायो कैटलिस्ट जैसा एक्ट कर सकता है। अभी देखिए, कोई भी रिएक्शन अगर आप लोग एंजाइम के साथ करते हैं और अगर आप लोग बिना एंजाइम से करते हैं तो उसमें क्या अंतर होगा? तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग ब्रीदिंग चैप्टर में पढ़े हैं कि RBC के अंदर एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है? वो है CO2 जब वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर रहा है, विच इज़ H2CO3। ये जो रिएक्शन है इसके कैटालिसिस के लिए हम लोगों को एक एंजाइम का ज़रूरत होता है, जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। मैं टर्नओवर नंबर के बारे में भी आपको बताने वाली हूँ इसके साथ। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा इसका टर्नओवर नंबर होता है। टर्नओवर नंबर मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस कितना सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका सबस्ट्रेट, ये रिएक्शन करने के लिए कार्बोनिक वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस कितना CO2H2O मतलब ये कॉम्प्लेक्स कितना यूज़ कर रहा है एक साथ, ताकि आपको
जो प्रोडक्ट है वो मिले। ये है टर्नओवर नंबर, जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा देखते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है उसमें आता है। तो नॉर्मली क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस पर सेकेंड आपका अगर ये रिएक्शन हुआ तो पर सेकेंड आपको 6 lakh मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। किसका? कार्बोनिक एसिड का। तो पर सेकेंड ये 6 lakh मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर पा रहा है पर सेकेंड, याद रखिए। लेकिन अगर हम लोग यही केमिकल रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेस के मतलब एब्सेंस में करें तो क्या होगा? रिएक्शन तो होगा ही, डेफिनेटली रिएक्शन होगा, लेकिन ये जो रिएक्शन है जहाँ पे हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं यूज कर रहे हैं विदाउट एंजाइम, ये आपको एक आर में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिर्फ टू यहाँ पे मैं लिख दूँ 6 lakh मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो आपको मिलेगा पर आर। आपको पर आर मिल रहा है ओनली 200 मॉलिक्यूल्स, जहाँ आपको पर सेकेंड मिल रहा है 6 lakh मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। कहाँ से? जब आप रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज कर रहे हो। तो देखिए ऑलमोस्ट मतलब आपका 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा आपको यील्ड मिल रहा है इस रिएक्शन से जहाँ पे हम लोग एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो एक चीज़ रहा, दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी। हम लोग सेम चीज़ को एक्टिवेशन एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक सब्सट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्टेड होता है तब दो चीज़ होता है, मतलब एक रिएक्शन है जो हम लोग एंजाइम्स के प्रेजेंस में करते हैं और दूसरा है अगर हम लोग वो ही रिएक्शन सेम रिएक्शन एंजाइम के एब्सेंस में करें। तो इस तरीके से एक ग्राफ है, इस ग्राफ से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपको लेना पड़ेगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये जो वाई एक्सिस है इसमें आपको लेना पड़ेगा इधर पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्या होता है कि मानिए कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्टेड होना स्टार्ट किया है। यहाँ से मैं लेती हूँ, यहाँ से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्टेड होना स्टार्ट किया है, ये रहा प्रोडक्ट, ये है विथ एंजाइम, मतलब जब एंजाइम प्रेजेंट है तब ये हाल है कि कितना एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए, और जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है तब ये हाल है। तो देखिए इन द प्रेजेंट इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम और ये है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो यहां से हम लोग को एक चीज समझ में आ गया कि जब एंजाइम है प्रेजेंट है मीडियम में तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है। एक्टिवेशन एनर्जी कम क्यों लग रहा है? क्योंकि एक्टिव होने के लिए ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत होगा? आपका एंजाइम तो ऑलरेडी मीडियम में प्रेजेंट है, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ही नहीं। सब्सट्रेट बहुत ईजीली प्रोडक्ट में कन्वर्टेड हो सकता है, इसीलिए इतना ही हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरत हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन द मीडियम देन द एक्टिवेशन इन एनर्जी इज मच मोर हायर, रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी इज मच मोर हायर। तब इन दैट केस सब्सट्रेट व्हेन इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट देन द एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई, क्योंकि उस टाइम आप एंजाइम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इसके वजह से आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ही खर्च हो रहा है। तो ये हुआ आपका एक्टिवेशन एनर्जी। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान लगा के एनसीईआरटी का जो लाइंस इसके साथ दिया हुआ है ग्राफ के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एक एमसीक्यू एकदम बनेगा इस नीट में, हम लोग आशा रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन समझने से पहले आपको एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एंजाइम का क्या क्या पार्ट्स होता है।
हम लोगों को जनरली एंजाइम में प्रोटीन पार्ट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम, और दूसरा पार्ट रहता है नॉन प्रोटीन पार्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोफैक्टर। प्रोटीन पार्ट का फंक्शन क्या है ये आपको, मतलब ये जो पार्ट ऑफ द एंजाइम है ये कोई भी सब्सट्रेट को एक्टिव साइट प्रेजेंट कर रहा है, सो इट डिटरमाइंस स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिसिटी। ये स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, पहले स्ट्रक्चर एक बार बता देती हूँ। स्ट्रक्चर मतलब एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके का प्रोटीन होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा या टर्शियरी होगा, ये चीज़ को स्पेसिफाई कर दे रहा है, डिटरमाइन कर दे रहा है। और दूसरा है स्पेसिफिसिटी, मतलब ऑल द एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी एंजाइम ज़्यादातर क्या होता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। ये मैं लिख दूँ, एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है कि मानिए कि पेप्सिन है, पेप्सिन हमेशा प्रोटीन के ऊपर ही एक्ट करेगा। लाइपेज जो है वो हमेशा फैट के ऊपर ही काम करेगा, कभी भी लाइपेज आपका प्रोटीन या पेप्सिन फैट के ऊपर काम नहीं करता है। तो हम लोग ये एक बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी एक लॉक अगर आपके पास है तो उसको आप एक स्पेसिफिक की और चाबी की मदद से ही खोल सकते हैं। आप लोग अलग अलग चाबी से सारे लॉक्स खोल सकते हैं ऐसा नहीं है, या सब लॉक्स एक सिंगल चाबी से खुल जा सकता है ऐसा भी नहीं होता है, तो स्पेसिफिक रहता है। डुप्लीकेट चाबीज भी होता है, डुप्लीकेट कीज भी होता है आपके पास, जब हम लोग जो यूज़ करते हैं एक ही ताला डुप्लीकेट चाबी से खोल सकते हैं वो होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे इनहिबिशन में, एंजाइम इनहिबिशन में, कि कैसे कोई भी एक इनहिबिटर आ जाता है सबस्ट्रेट की तरह ही वो दिखता है, सबस्ट्रेट का डुप्लीकेट है तो वो सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ देता है। तो वो चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि बेसिक जो चीज़ें हैं कि स्पेसिफिसिटी डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिसिटी। तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हुआ ना एंजाइम, तो ये आपका प्रोटीन पार्ट और एपो एंजाइम जो है उसका काम है। दूसरा है नॉन प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर। कोफैक्टर तीन तरीके का होता है, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा पहले बता देती हूँ कि कोफैक्टर का मेन फंक्शन क्या है, इट डिटरमाइंस कैटालाइटिक एक्टिविटी, मतलब एक सबस्ट्रेट को जब हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो कैटालाइटिक रिएक्शन है कि सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड्स है उसको तोड़ देना है फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, वो काम है नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर तीन तरीके का हो सकता है, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप। जनरली प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीन जो पार्ट है, एपो एंजाइम जो है उसके साथ बहुत ही क्लोजली बाइंड करके रहता है, और कोएंजाइम जो है जनरली हम लोग देखते हैं विटामिन, जैसे कि राइबोफ्लेविन एक एग्जांपल है। ऑल विटामिन नहीं कहते हैं, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग विटामिन सच एज राइबोफ्लेविन, ये भी कोएंजाइम के तौर पे काम कर सकता है। मतलब एंजाइम का एक प्रोटीन पार्ट है, उसका जो कैटालाइटिक एक्टिविटी जो होगा वो राइबोफ्लेविन उसको मेंटेन करेगा। और तीसरा है मेटलिक एक्टिवेटर्स या मेटल एक्टिवेटर्स, मतलब कोई भी मेटल्स यूज्ड हो सकता है, जैसे कि आपका जिंक हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर क्लोराइड आयंस हो गया, ये सब मेटल्स भी, मेटालिक आयंस या नॉन मेटालिक आयंस, आपका एक्टिवेटर के तौर पे यूज्ड होता है। जैसे कि जिंक, हम लोग जिंक का एक काम है, ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेस वाला जो एंजाइम है जो आरबीसी के अंदर रहता है, जो कार्बनिक एसिड फॉर्म करने में मदद कर रहा है या कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट करने में मदद कर रहा है, वो एंजाइम आपका जिंक जो मेटालिक कोफैक्टर है उसकी सहायता से काम कर सकता है एफिशिएंटली। तो अभी देखते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब कंबाइन हो रहा है तो क्या हो रहा है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का दो अलग अलग तरीके का मैकेनिज्म
दो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था, एक है आपका इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस और दूसरा है लॉकिन की मैकेनिज्म। तो हम लोग बहुत ही जिस्ट में मैं आपको बता देती हूँ ये चीज़, क्योंकि आपका नीट में ये नहीं आने वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। लेकिन एज अ होल एंजाइम सब्सट्रेट के साथ कंबाइन करके कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्टेड होगा, उसका पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब देखिए, जो लॉकिन की मैकेनिज्म है वो तो बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। कैसे कि एक लॉक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर चाबी है। तो मानिए कि एक लॉक इस तरीके से है और उसका जो चाबी है वो है ऐसा। अब ये लॉक और चाबी जब एक साथ कंबाइन कर रहा है ऐसे, तो हम लोग लॉक को आसानी से खोल दे सकते हैं। ये रहा, ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। तो लॉकिन की हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एंजाइम है जो लॉक है, एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है एंजाइम, कोई भी चाबी नहीं खोल सकता है एंजाइम को, जो चाबी उसके लिए परफेक्ट है उस लॉक के लिए वो चाबी जाके ही लॉक को खोलेगा। इसका मतलब वो सबस्ट्रेट जाके ही एंजाइम के साथ कंबाइंड होके प्रोडक्ट में कन्वर्टेड हो सकता है। और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में क्या होता है, जनरली आपका जो एंजाइम है, मानिए कि ऐसा मैंने एक एंजाइम बनाया, अब इसके साथ जो प्रोडक्ट कंबाइन करने वाला है वो है ये, मतलब प्रोडक्ट नहीं, आई मीन सबस्ट्रेट, वेरी सॉरी, सबस्ट्रेट जो है वो है ये। ये रहा आपका एंजाइम, ये है आपका सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद एंजाइम का ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज लाता है, जिसके वजह से एंजाइम क्या कर सकता है, सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड्स है, जो केमिकल बॉन्ड्स है, उसको ब्रेक करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम को इंड्यूस कर रहा है, उसका जो ओरिजिनल कन्फर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करने के लिए इंड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। आपको ज़्यादा इसमें ध्यान लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट में आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, हम लोग जनरल जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का जो चीज़ होता है, जो स्टेप्स होता है, या जो हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, के कैसे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट में कन्वर्टेड होता है, उसका स्टेप्स जान लेते हैं। दोस्तों, आपको ये सीक्वेंसिंग में भी आ सकता है, तो आप ये चार पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखें, ये एनसीईआरटी का लाइंस है, सीक्वेंसिंग में दे सकता है कि आपको ये सारा जो ये जो पॉइंट्स है वो इधर उधर करके दिया गया हो, और उसके साथ आपका ऑप्शन रहेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का। तो फर्स्ट देखिए, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये रहा आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये फॉर्म्ड होने के बाद दिस इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। एंजाइम का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। इस बदलाव आने की वजह से इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंजाइम ब्रेक्स द बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ये तो बहुत आसान है, सबस्ट्रेट बैठा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, अब सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड्स है वो एंजाइम ने क्या किया, उसको धीरे धीरे ब्रेक करता गया, और सबस्ट्रेट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्टेड होता रहा। तो ये मानिए कि सबस्ट्रेट ऑलरेडी प्रोडक्ट में कन्वर्टेड हो चुका है। तो ये रहा अभी हमारा प्रोडक्ट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, हम लोग मान लेते हैं। इसके बाद ये एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये रहा आपका एंजाइम और इसके साथ ये रहा आपका प्रोडक्ट। ये है एंजाइम और ये है प्रोडक्ट। जो एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो, मतलब हो जाएगा इसके बाद। तो ये पॉइंट हो गया। लास्ट जो पॉइंट है वो है ये, प्रोडक्ट इज रिलीज एंड द एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विथ अनदर सब्सट्रेट। अब ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट, मतलब सब्सट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन हो जाने के बाद
हम लोग उसी एंजाइम को दूसरा कोई सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं. प्रोडक्ट इज रिलीज एंड द एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विथ अनदर सब्सट्रेट, और एक सब्सट्रेट के साथ ये बाइंड कर सकता है. लेकिन तभी भी हम लोग क्यों बोलते हैं कि एंजाइम को सिंथेसाइज करना भी ज़रूरी है. हम लोग सेल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उसका मतलब क्या है, एंजाइम्स भी तो सेल सिंथेसाइज कर रहा है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स हम लोग को मालूम है. तो एंजाइम अगर वापस दूसरे एक्शन के रिएक्शन के लिए भी रेडी है, वो खुद जाके वापस एक रिएक्शन करता है, अगर वो हम लोग अगर उसको कहते हैं कि मतलब डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, लेकिन तभी भी सबस्ट्रेट मतलब तभी भी एंजाइम का सिंथेसिस क्यों होता है, एंजाइम का बायोसिंथेसिस क्यों होता है. ये इसीलिए होता है क्योंकि एंजाइम तो ऑलरेडी आपका एक प्रोटीन है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रहता है. तो कभी कभी क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंजाइम को प्रोटीन समझ के मतलब सबस्ट्रेट समझ के उसको डाइजेस्ट कर ले सकता है. जैसे कि एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी, सलाइवरी अमाइलेज जो हमारा स्टार्च जो है जो सलाइवा में प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज आप लोगों ने डाइजेशन चैप्टर में इसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी. तो सलाइवरी अमाइलेज क्या है, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में. तो ये जो कन्वर्शन है, ये कन्वर्शन होने के बाद सलाइवरी अमाइलेज नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन भी कर सकता है, उसके बाद थर्ड वाला रिएक्शन भी कर सकता है. लेकिन करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब पेप्सिन जो हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो स्टमक में मिलता है, हम लोग जो बोलस है, बोलस मतलब आपका जो फूड का जो मास फॉर्म हो रहा है आफ्टर द आप उसको क्रश कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, तो वो आपका ईसोफेगस से जा रहा है आपके स्टमक के अंदर. तो उसके साथ साथ सलाइवरी अमाइलेज भी जा रहा है, सलाइवा भी जा रहा है. कुछ सलाइवा तो आपके फूड के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो आपको स्वॉलो करने में मदद कर रहा है. तो ये जो मतलब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है जो स्टमक में जाने के बाद, कभी कभी क्या होता है, पेप्सिन जो एंजाइम है वो सलाइवरी अमाइलेज को, ये तो सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट कर रहा है स्टार्च को मतलब कार्बोहाइड्रेट को, लेकिन ये खुद एक प्रोटीन है. तो कभी कभी प्रोटीन मतलब डाइजेस्टिंग एंजाइम जैसे कि पेप्सिन भी सलाइवरी अमाइलेज को डाइजेस्ट कर लेगा. तो इसीलिए वापस हम लोगों को सलाइवरी अमाइलेज का बायोसिंथेसिस करना ज़रूरी है. तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, काफ़ी हद तक ये आपको एंजाइम का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने में मदद किया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग डेफिनेटली इसमें एक लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. उसके साथ साथ एक बेल आइकन है जिसको आपने दबाना है, क्योंकि आपको इस एंजाइम सीरीज़ का बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड होता रहेगा, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कौन कौन सा जो ऐसा कुछ फैक्टर्स या कंडीशंस है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को थोड़ा सा अफेक्ट करता है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ. थैंक यू.